गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। आज मैं आपको दिखाने वाली हूं कि मेरे बैग में क्या है। ये जो बैग है ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बैग है और ये मैं अपनी शादी में लेकर आई थी और बहुत कम मैं इसे बाहर ले जाती हूँ। एक्चुअली इतना मेरे को जाना पड़ता ही नहीं है तो ज़्यादा बैग वगैरह मैं यूज नहीं करती, बट इसमें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखती हूँ क्या क्या है। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं निकाल चुकी हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो फर्स्ट चैन ओपन हो गई है एंड टन टनान। सबसे पहले ये मेरी जाप माला है, आप देख सकते हैं हरे रामा हरे कृष्णा। इससे मैं जाप करती थी और अभी कभी कभार जब मन बिल्कुल होता है ना, खुश नहीं होता है, दुखी होता है, तब मैं जाप करती हूँ। ठीक है, और मैं जाप हरे रामा हरे कृष्णा का नहीं करती, मैं तुलसी जी का जाप करती हूँ और मैं बोलती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णा प्रिया नमो नमः। मैं कुछ सोचने लगी थी जिस वजह से मैंने रुक गई थी, मैं कोई बात नहीं। एंड नेक्स्ट क्या है, ये इसकी बेल्ट है एंड ठीक है, ये मेरे रुमाल्स हैं जो मुझे एन वक्त में मिलते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रहते हैं। और एक ये बैग है जिसके अंदर क्या है, छोटे से बैग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पंडित जी वगैरह ने दी थी आशीर्वाद में, तो मैंने इसमें डाल दिया। और ये क्या चीज़ है, ये है खोए पेपर, मेरा आधार कार्ड एंड ये मेरा पैन कार्ड। तो मुझे लगता है आप कभी यूज ही नहीं होंगे, बट हाँ पड़े हैं, कभी कुछ खो गया तो शायद ये काम आ जाए, तो ऐसे फेंकते नहीं, इसको भी रख देते हैं ना। कभी कभी आधार या पैन खो जाता है, उसका नंबर निकालना पड़ जाता है तो बड़े काम आ जाते हैं पुराने पेपर्स। तो ये वाले खाने में और क्या निकला है, कुछ चिल्लर निकल गया। ठीक है, कुछ फूल वगैरह हैं और ये कुछ चिल्लर्स हैं। ओके, तो चलो ये वाला एक खाना हो गया। इसके बीच में एक कैन और है, इसे भी ओपन करती हूँ, ये ओपन करती हूँ। इसके अंदर क्या है, एक और माला है। ठीक है, ये मेरे पापा की माला थी जो मैं ले आई थी। ये कभी कभी बहुत ठंडक दिलाती है और इस माला से आराम से इसे स्फटिक माला बोलते हैं और इससे लक्ष्मी जी का जाप किया जाता है। और कुछ कौड़ियाँ पड़ी है और एक चांदी का सिक्का भी रखा है। ठीक है, चलो इस बॉक्स को बंद कर देते हैं। मेरा जो बैग है ना उसमें आपको ऐसी चीज़ें मिल रही है जो शायद किसी भी लड़की के बैग में ये चीज़ें मिलती हैं, पर मेरे बैग में ये मिल रही हैं आप लोग को। ठीक है, और ये क्या है, अरे वाह, ये मेरे डॉक्टर हैं, आँखों के डॉक्टर हैं, तो इनका ये कार्ड मैं सोची थी खो गया, देखो कितना इम्पोर्टेंट है, ये कार्ड मिल गया। एक दिन मेरी आँखें फिर भी दर्द हो रही थी। ठीक है, और एक ये लिफाफा है, पट खाली है, देने के काम आता है ना किसी को, इसलिए रखा है। और ये जानते हो क्या है, ये कोई दवा नहीं है ना, किसी के बीज हैं, ये है जगन्नाथ स्वामी का भात। कहते हैं भात, जब भी आप जगन्नाथ स्वामी जाओ, एक भात गिर गया क्या, माफ़ करना भगवान। ठीक है, जब भी आप जगन्नाथपुरी जाओ तो वहाँ से ये भात ज़रूर लेकर आओ, और जब भी घर में कोई फंक्शन हो, शादी विवाह हो या कोई भी पार्टी हो या किसी को बुलाया है, तो आप ज़रूर उसमें थोड़े से भात डाल दो, खाने की कभी कमी नहीं होती है। एंड हाँ, मैं साल में एक बार जगन्नाथ स्वामी जी के लिए कढ़ी और चावल बनाती हूँ, तब भी मैं यूज करके उनको मतलब भगवान जी के लिए बनाती हूँ, ऐसे जगन्नाथ जी की मटकी नहीं भरती हूँ अभी मैं, क्योंकि मैं अभी पूरी गई नहीं हूँ, बट हाँ लगा लेती हूँ। और ये देखो मुझे मिल गई थी, आप बोलोगे बहुत अंधविश्वास, बट मुझे मिल गई थी तो मैंने रख ली, पता नहीं सही है कि खराब है, बट मैंने रख ली। और ये चूड़ी मेरे पति देव मेरे लिए पहली बार लाए थे, शादी से पहले लाए थे, बहुत पहले 8-9 साल, क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई थी तब ये लेकर आए थे, और ये मेरे किसी काम की नहीं है, देख लो साइज रैया रे, पता नहीं किस मोटी अग्रवाल के लिए लाए थे, गुप्ता को तो चढ़ने ही दिए, चढ़ाते रहते ना, देखिए सारी मोटी अग्रवाल से होती ज़्यादा अच्छा लगता है। देख ये रखी चूड़ियाँ, ले अपने मोटी अग्रवाल तो समझ में आएगा। ओके, और ये मेरी सिंदूर की डिब्बी है जिससे पहली बार इन्होंने मुझे सिंदूर लगाया था। ठीक है, और क्या है, और ये ऐसे ही मैंने खरीदा था एक जगह जिसमें कछुआ है और तांबे की प्लेट है और माता जी की चुनरी रखी है एक, और तो कुछ भी नहीं है, और बिछिया वगैरह पड़ी हुई है और इसमें भी 10 रुपये का सिक्का निकला है।
इसके अंदर एक छोटी सी चाय, इसमें क्या रखा है मुझे खुद नहीं पता, कहाँ क्या क्या रखा है। और कुछ नहीं, इसमें कुछ हल्दी की गांठे मैंने डाल के रखी है होना चाहिए, इसे बरकत आती है घर में, ठीक है। और क्या है, और ये है 2 रुपए की गड्डी, जिसे मैंने अपनी दादी से लिया था, एक्चुअली उनके पास रखी थी और मैंने उनसे मांग लिया था। ये देखिए मेरे पास 2 रुपए की गड्डी है, ये है मेरे बैग में। तो बताओ आज तक आपने इतने वीडियोस देखे होंगे किसी के बैग में ये सब निकलते हैं, पर मेरे बैग में निकल रहा है और मुझे भी जाके खोलना पड़ेगा, कौन आया देखना पड़ेगा। चुप रहो, मुझे काम करने दो, पति देव घर आ गए हैं। तो मैं कहाँ तक पहुंची थी, बस उसमें गई थी और यहाँ पे भी कुछ पैसे ही थे शायद, की जरूर थी बैग। ओके, तो इसमें मेरे 2 की गड्डी आपको मैंने दिखाई ना, मेरे बैग में 2 की गड्डी है। और यहाँ पर ये रहा 1 रुपए का नोट। भाई साहब ये 1 रुपए का नोट जिसे भी चाहिए खरीदना चाहता है 1 रुपए और गड्डी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। कह रहा बहुत पुराने नोट वगैरह बिकते हैं, तो हो सकता है मैं अमीर ही हो जाऊँ। और ये क्या चीज़ है, ये है मेरे पापा का खजाना, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बहुत सारे पक्के मोती हैं, ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं गोमती चक्र, ये है। और ये देखो पन्ना, मेरे पास बहुत सारे पुराने सिक्के भी हैं, पुराने सिक्के कलेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है। और ये रही पक्की मोतियाँ, किसी को चाहिए तो बताओ। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये मूंगा है कि कोई और रत्न है मुझे पता नहीं। और ये येलो कलर के कुछ हैं, मेरे पापा पहले काम करते थे तो ये सब मेरे पास उन्हीं की दुकान से आ गया। और बहुत सारे थे, कुछ तो मैंने अपने भाई को ही उठा के दे दिए, ठीक है। लहसुनिया शायद इसी को बोलते हैं, शायद मुझे पता नहीं है, देख रहे हो चमक है असली नगों की। सर मैंने ऐसे रखा ना, मेरे पास बहुत सारे पन्ने के, तो मैं सोच रही थी मैं अपने कान का या गले का कुछ भी ऐसे बनवा लूँगी, बट अभी नहीं बनवा पाई, या हो सकता है अंगूठियाँ बनवा लूँ। तो इस तरह के पन्ने हैं मेरे पास 4 पीस। यार अपना खजाना खोल रही हूँ मैं, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये पता नहीं क्या है, ये मैं पापा लिखे हुए थे सबका नाम उसके ऊपर, लेकिन मेरे को ये वाले ना मेरे पास बहुत सारे हैं, है ना, तो ये सारे हैं पूरा भरा हुआ है। मैंने अंगूठी भी बनवाई थी, ये तो मम्मी ने बनवा दी थी, उनके पास कोई नग पड़ा था, मैंने भी एक अंगूठी बनवाई है जो पहनती हो। और ये राखी है किसी भाई की, नहीं आया होगा या फिर ज़्यादा ले आए होंगे। और ये मेरे पापा की दांत खोदते थे इससे, आखिरी टाइम तो मैंने इसे भी उठा के रख लिया। ये सब है मेरे बैग में, देख रहे हो भाई, देख रहे हो बिटिया कितनी अमीर है, दिल से अमीर होना चाहिए ना, किसी को चाहिए तो संपर्क करें। ओके, और ये चाबी का गुच्छा जो मेरी सास ने मुझे दिया था पुराना, चुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ओके, और क्या है, और कुछ है, ओह मेरी बिछिया कितनी प्यारी है, पहनने में बहुत अच्छी लगती है, पर ये यहाँ पड़ी हुई है, मैंने बहुत दिन से नहीं पहनी, चलो मैं रख के भूल जाती हूँ कहाँ पर है, दूसरी पहन लेती हूँ। तो ये भी इसके अंदर गया। और लास्ट चैन है ये वाली, देखते हैं यहाँ पर क्या रखा हुआ है, तो उसे ओपन करते हैं। पैसे नहीं निकले यार, आज रहते हैं कभी कभार पैसे, लेकिन इस बार नहीं है। और ये है बरगद का पेड़, आप देख सकते हैं, जो मुझे बरगदाही में मिला था, इसे रख के पूजा की जाती है, तो ये रहा बरगद का पेड़। एंड ये क्या चीज है, हो ये वो चीज है बाबा वैद्यनाथ धाम का, जहाँ पे मेरे पति देव ने दान किया था, और इस पे मेरा नाम, कितना दान किया था वो मैं नहीं बताऊंगी, इसमें मेरा नाम श्रुति गुप्ता की जगह श्रुति अग्रवाल लिखवाया था।
और ये शादी के बहुत साल पहले था। मैं आपको बता दूं इसमें डेट लिखी है क्या, इसमें कौन से साल का है। इन्होंने दिया था 7/29/2016 को, और हमारी शादी कब हुई है, 2021 में हुई है कि 2022 में हुई बाबू, 21 में हुई है। हाँ, हमारी शादी 2021 में हुई और ये 2016 पे, हाँ तो बंद पता नहीं क्यों हो गया था, 2016 में ये दान करके आए थे। ये उनकी दान की रिसिप्ट है और ये मेरे दान की, और मैंने इसे संभाल के रखा था। देख रहे हो क्या क्या मिल रहा है आज मेरे बैग में, पुरानी यादें। ठीक है, तो ये वो रिसिप्ट है। तो फिलहाल मेरे बैग में और कुछ है, फिलहाल मेरे बैग में इतनी सारी चीज़ें हैं, और आप देख सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कितनी सारी खूबसूरत यादें हैं इस बैग में। ये बैग मैं कहीं ले नहीं जाती हूँ, तो मैं ना ये सारी चीज़ें इसी में रखती हूँ। ठीक है, ये मेरी जाप माला, शादी से पहले जाप किया तो मुझे भोलेनाथ मिले, बस इनकी तीसरी आँख बड़ी खतरनाक है, तो आज चूड़ा भी मैंने भोलेनाथ का ही बनाया है। तो ये सारा सामान मैं इसमें करती हूँ, अपनी सिंदूर, आज सिंदूर नहीं लगाया, थोड़ा सा लगाती हूँ आज। ये गीला वाला सिंदूर मैं यूज करती हूँ, इसे नहीं लगाती। अगर मैंने गलत तरीके से लगाया तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो ये गया सिंदूर, ये गया मेरे करोड़ों की रकम बैग में वापिस, ये भी वापिस जा रहा है, ये भी वापिस जा रहा है, और ये जगह जहाँ स्वामी का भात आज ही मन में आया कि अभी नया बेसन मैं पिसवाने वाली हूँ। मैंने चने की दाल मंगवाई थी पिसवाने के लिए, जब आएगा ना तो मैं भगवान जी को बनाऊंगी। मेरे को याद है मैं हर साल कर रही हूँ, जब से यहाँ पे आई हूँ 2 बार मैंने किया है अभी तक, 2021 से। ठीक है, ये जाता है पीछे वाले, ये मैं बरगदाई वाले दिन ही निकालती हूँ केवल। ठीक है, ये इसमें गया, ये खाली लिफाफा पड़ा रहने दे, काम आ जाता है, और ये पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, और ये गई बेल्ट एंड टनान, सारा सामान वापिस इसमें चला गया। तो और इसके साथ ये चैन हो गई बंद, और कोई चैन खुली तो नहीं है, एक ये चैन खुली है, तो नीचे वाली चैन गई और सारी चैन बंद है। और ये जो बैग है, ये जो बैग है इसे मैंने लिया था 1500 का कि 1200 का, इस रेंज में मैंने अपनी शादी में लिया था ये बैग। ठीक है, और बहुत ही अच्छा है, अभी तक इसकी क्वालिटी बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही चमक है। 2021 ये मैंने फरवरी वगैरह में लिया था, मार्च या फरवरी में, क्योंकि अप्रैल में मेरी शादी थी तब मैंने ये लिया था, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। बट मैंने इसको यूज नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसमें सारे जो मेरे इंपॉर्टेंट सामान है शादी के, मतलब जो भी मेरे साथ जुड़ी यादें हैं, मैं इस बैग में रखती हूँ। तो ये था मेरा बैग जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगे। कैसा लगा मेरा ये जो मैंने आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया, आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस बैग में इतना ही, आगे मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।